आखिर क्या होगा? जब कलयुग का अंत आएगा, क्या क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। कलयुग का एक न एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं, उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं, वो कैसे तबाह हुए थे। दोस्तों सोच कर देखो कैसा लगता होगा, कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी का नया जन्म होगा। दोस्तों हिंदू शास्त्र के अनुसार इस समय को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है, वहीं देवताओं का एक दिन एक रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का है, जिसमें अभी तक 4027 साल बचे हुए हैं। 4027 साल के बाद इस धरती का, कलयुग का और मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा, फिर से सतयुग आरंभ होगा। धर्म पुराणों में कलयुग की अवधि 4032 साल की बताई गई है, जिसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें, उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, मनुष्य जाति भी अंत आएगा, मनुष्य की उम्र छोटी और हाइट भी छोटी होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंत आएगा तो किस तरह की हरकतें लोग करेंगे, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र 13 वर्ष की रह जाएगी, इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बहुत ही कठोर हो जाएगा, केवल धनवान व्यक्ति के पास ही महिलाएं रहेगी। जिस दिन बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। जब भगवान विष्णु ने कहा था तब वे कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया कि जब धरती पाप के बोझ के तले दब जाएगी तो इस धरती पर अपार पाप बढ़ जाएगा। तब भगवान कृष्ण कल्कि का अवतार लेकर धरती पे आएंगे और धरती को पाप से मुक्त करेंगे। कलयुग के अंत होने के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।